दोस्तों, क्या हो अगर गॉड सभी लोगों को उनकी मौत का एग्जैक्ट डेट और टाइम बता दे? अपनी मौत की एग्जैक्ट डेट जानकर लोग कैसा रिएक्ट करेंगे और ये दुनिया कैसी हो जाएगी? कुछ ऐसी कहानी है आज की हमारी इस वीडियो की। कहानी की शुरुआत जीसस की फोटो और एक लड़की ईया के साथ होती है। यह हमें बताती है कि दुनिया बनाने से पहले गॉड बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे, इसलिए सबसे पहले उन्होंने धरती और उसके बाद कई तरह के पशु पक्षियों को बनाया। पर तब भी जब गॉड को मजा नहीं आया तो उन्होंने एक आदमी और एक औरत को बनाकर धरती पर भेज दिया, जिनको नाम दिया गया एडम एंड ईव। इनके धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे हुए जो बाद में पॉपुलेशन में बदल गए और धर्म को लेकर एक दूसरे से लड़ने लगे। या जब अपनी डैड यानी गॉड को इम्प्रेस करने के लिए टेबल पर रखी ग्लास को आंखों से हिलाने की कोशिश करती है तो इस पर गॉड या को डांटने लगते हैं, जिसके बाद यह हमें बताती है कि पृथ्वी पर जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो सब गॉड अपने एंटरटेनमेंट के लिए करवाते हैं। और इसी तरह के ढेर सारे बेकार काम लोगों को परेशान करने के लिए गॉड ने उनकी लाइफ में जोड़ दिया है। एक दिन यह जब अपने डैड के रूम में जाती है तो वहां उसे अपनी डैड की कंप्यूटर से ये सारी सच्चाई पता चलता है। इसलिए खाना खाते टाइम यह अपने डैड से कहती है कि तुम बहुत बुरे हो और लोगों के साथ बहुत बुरा करते हो। इस पर गॉड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ईया की बहुत बुरी तरह से पिटाई करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईया जीसस के साथ बात करती है। ईया जीसस से कहती है कि वो गॉड से अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेना चाहती है। इसलिए ईया जीसस को बताती है कि मुझे भी तुम्हारी तरह पृथ्वी पर जाकर सब कुछ बदलना है। इस पर जीसस ईया को सलाह देते हुए कहते हैं कि मैंने पृथ्वी पर 12 लोगों को अपने धर्म प्रचार करने के लिए चुना था और उन्हीं की मदद से एक बुक बाइबल लिखी। इसी तरह से तुम्हें भी पृथ्वी पर जाकर अपने दूतों को चुनना चाहिए और एक बुक लिखनी चाहिए। इससे ये दुनिया उसी बुक के हिसाब से चलने लगेगी। फिर ईया जीसस से पृथ्वी पर जाने का रास्ता पूछती है। जीसस बताते हैं कि उन्होंने एक वॉशिंग मशीन के अंदर से पृथ्वी पर जाने का रास्ता बनाया है, जिसके अंदर जाकर तुम भी पृथ्वी पर जा सकती हो। इसके बाद ईया अपने डैड के कमरे में जाती है और उन्हें हर्ट करने के लिए पृथ्वी पर मौजूद सभी लोगों को उनके मरने का तारीख मैसेज कर देती है। इसके बाद ईया अपनी भाई की बात मानकर वॉशिंग मशीन के थ्रू अर्थ यानी रियल वर्ल्ड में आ जाती है। अब हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि पृथ्वी पर जो भी लोग हैं उन सभी के पास अपने अपने मरने के तारीख का मैसेज आ चुका है, जहाँ सभी लोग अपने मरने के तारीख जानकर काफी परेशान हो जाते हैं। वही हम देखते हैं कि एक औरत बाथरूम में नहा रही है और तभी उसे मैसेज में पता चलता है कि अगले 2 मिनट में वो मरने वाली है। अब वो औरत अपनी मौत के बारे में जानकर घर के सारे इलेक्ट्रिक चीजें बंद कर देती है, जिससे उसे लगता है कि उसकी मौत रुक सकती है। लेकिन जैसे ही वो अलमारी पर रखे एक डिब्बे को नीचे उतारने जाती है, वैसे ही वो अलमारी उस औरत के ऊपर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब पूरी दुनिया को अपनी मौत की तारीख मालूम हो चुकी है, इसीलिए लोग कुछ भी करने लगते हैं। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने मरने की तारीख जान के रील्स वीडियो बनाने के लिए छत से नीचे कूद जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि अभी उसका मौत का समय नहीं आया था। वही कुछ लोग अपने मौत का खबर सुनकर दुखी हो जाते हैं और कुछ लोग अपने मनपसंद चीजों को करने लगते हैं। जब इन सब के बारे में गॉड को पता चलता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो फटाफट भाग के अपने कंप्यूटर की तरफ जाते हैं और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, पर ईया ने कंप्यूटर को पूरी तरह से खराब कर दिया होता है। ये देखकर गॉड ईया को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन ईया तो रियल वर्ल्ड में आ चुकी है। अब हम ईया को देखते हैं जो कि भूख लगने की वजह से एक डस्टबिन से बर्गर उठाकर खाने लगती है। तभी ईया को एक भिखारी दिखाई देती है जिससे ईया बात करने की कोशिश करती है। ईया को बुक लिखने के लिए एक आदमी की जरूरत थी, इसलिए ईया उस आदमी से लिखने के बारे में पूछती है तो वो भिखारी कहता है कि वो थोड़ा बहुत लिख लेता है। ये सुनकर ईया भिखारी के साथ चलने लगती है और उससे अपने मिशन के बारे में बताती है। उसके बाद ईया अपने भाई जीसस के बारे में भी उसे बताती है, पर उस भिखारी को ईया की कोई भी बात समझ में नहीं आ रहा था। इधर गॉड ईया को लेकर परेशान हो जाते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैं नहीं चाहता जो जीसस के साथ हुआ वो ईया के साथ भी हो। इसलिए गॉड ईया को बचाने के लिए वॉशिंग मशीन के अंदर जाने लगते हैं। वही गॉड की वाइफ उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर गॉड उनकी बात नहीं मानते और रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। अब ईया अपनी दूतों को ढूंढकर ये यकीन दिलाना चाहती है कि वो जीसस की बहन है, ताकि वो उनके साथ मिलकर दुनिया बदल सके। इसके बाद ईया अपनी पहली दूत इमली से मिलती है, जिसने अपनी मरने की तारीख मालूम होने के बाद भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं बदला। वही इमली बहुत खूबसूरत है और अपने घर में अकेली रहती है, और जिस बिल्डिंग में वो रहती है उस बिल्डिंग के लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, पर इमली को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इमली जब छोटी थी तभी उसका एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनका एक हाथ कट गया था, जिसकी वजह से इमली अब एक आर्टिफिशियल हैंड को इस्तेमाल करती है। आगे हम ईया को इमली के पास देखते हैं, जहाँ वो इमली को अपने बारे में बताती है और फिर उसके बारे में पूछती है। पर इस पे इमली बचपन में हुए एक्सीडेंट को लेकर रोने लगती है, जिस पर ईया कहती है कि मैं तुम्हारी तरह रो नहीं सकती, पर लोगों को उनके हालात अनुसार म्यूजिक सुना सकती है। और ईया इमली से कहती है कि जब आज रात तुम सो रही होगी तब मैं तुम्हें तुम्हारी म्यूजिक सुनाऊंगी। और जब इमली अपनी ड्रीम में टेबल के पास होती है, तब जो हाथ इमली का बचपन में कट गया था वो इमली के सामने गाने पर डांस करता है, जिससे इमली को ये यकीन हो जाता है कि ये सच में गॉड की बेटी है। इसके बाद ईया अपने अगले दूत जॉन के पास जाती है, जो कि एक मॉल में काम किया करता था। लेकिन जब उसे अपनी मौत के तारीख के बारे में पता चला, तभी से वो एक पार्क में जाकर बैठ गया, क्योंकि जॉन एक सुकून भरी मौत मरना चाहता है। अब ईया जॉन के पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि वो गॉड की बेटी है, लेकिन जॉन ईया की बातों पर यकीन नहीं करता। तो ईया जॉन के सामने एक पंछी को बुलाती है और उससे बात करने लगती है। ये देखकर जॉन काफी हैरान होता है,
लेकिन उसे फिर भी इया की बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं होता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गॉड एक मशीन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर बैठी एक औरत गॉड को इस तरह से मशीन से बाहर निकलते हुए देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और चोर समझकर उनके ऊपर पेपर स्प्रे करके भगा देती है। इसके बाद जब गॉड को भूख लगता है तो वो भी एक डस्टबिन से खाना उठाकर खाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जिनसे गॉड अपने बेटी के बारे में पूछने लगते हैं, पर वो गुंडे गॉड को पागल समझकर उन्हें पीट देते हैं। फिर हम गॉड को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहां गॉड एक छोटे बच्चे से ब्रेड छीनकर खाने लगते हैं, पर तभी उस बच्चे की मॉम गॉड को बुरी तरह से पीट देते हैं। इसके बाद इया अपने अगले दूत जैक से मिलने जाती है जो कि बहुत शर्मिला होता है। दरअसल जैक ने अपने बचपन से लेकर आज तक किसी लड़की को टच तक नहीं किया था, इसीलिए जब उसे पता चलता है कि उसके जीने के लिए बस 83 डेज बचे हैं तो वो अपने सारे पैसे ऐशो आराम में खत्म कर देते हैं। या उसे एक नया रास्ता दिखाती है और कहती है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम्हें आवाज़ से रिलेटेड कोई काम करना चाहिए। अब क्योंकि जैक के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसीलिए जैक फिल्मों में वॉइस ओवर का काम करने लगता है, जहाँ उसकी मुलाकात उस लड़की से होती है जिसे वो बचपन में पसंद किया करता था, और फिर दोनों बातों ही बातों में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इधर जब इया की मॉम जीसस की फोटो देखती है तो इसमें पहले 12 देवदूत थे, लेकिन जब वो फोटो को ध्यान से देखती है तो उसमें देवदूतों की संख्या 12 से बढ़कर 15 हो चुकी थी, यानी इया जिन भी 3 लोगों से अब तक मिली है वो सब देवदूत बन चुके थे। दूसरी तरफ गॉड को जब दोबारा भूख लगता है तो एक चर्च में खाना खाने के लिए आ जाता है, पर गॉड को रूल्स तोड़ने की वजह से वहाँ बहुत मार खानी पड़ती है। वही जब गॉड चर्च के फादर को कहते हैं कि जीसस मेरा बेटा है, तो ये सुनकर वो फादर भी गॉड को बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं। इसके बाद हम अगले देवदूत चेरी को देखते हैं जो कि एक प्रोफेशनल शूटर है जिसे किसी को भी मारने से कुछ भी फील नहीं होता। इसलिए चेरी को जब लोगों की मौत के बारे में पता चलता है कि गॉड ने लोगों की अंतिम तारीख भेज दी है, तो चेरी गन लेकर पार्क में लोगों को मारने के लिए चला जाता है। तभी वहां पर इया आ जाती है और उसे अपना मिशन के बारे में बताती है, पर चेरी पार्क में किसी न किसी को मारने के लिए आया था, इसलिए इया उससे सामने जा रही लड़की को गोली मारने के लिए कहती है, और वो कोई और नहीं बल्कि एमिली होती है, जिसे चेरी जब गोली मारता है तो वो गोली आर्टिफिशियल हैंड पर लग जाता है, जिससे एमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर चेरी हैरान हो जाता है और वो फिर एमिली को पसंद करने लगता है। चेरी एमिली के पीछे पीछे उसके घर तक आ जाता है, लिफ्ट में उसे फूल देखकर प्रपोज भी करता है, लेकिन इस दौरान एमिली उसे कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन घर पहुंचकर एमिली चेरी को कॉल करती है और उसे अपने पास बुला लेती है। अगले सीन में हम अगले दूत एक बूढ़ी औरत मार्टिना को देखते हैं जो अपनी जवानी में बहुत ज्यादा रोमांटिक थी, पर वही जब मार्टिना को अपनी मरने की तारीख पता चली तो वो इन आखिरी समय में अपने सच्चे प्यार के साथ रहना चाहती है। तभी उसके पास इया आती है और उसे अपना मिशन बताने के बाद उससे कहती है कि तुम्हें अपना सच्चा प्यार सर्कस में मिलेगा। ये सुनकर मार्टिना इया को लेकर अपने सच्चे प्यार को ढूंढने के लिए सर्कस में आ जाता है। सर्कस में मार्टिना जब एक गोरिल्ला के पास जाती है तो वो गोरिल्ला मार्टिना की तरफ हाथ बढ़ाता है और मार्टिना भी उसको टच करती है। इसके बाद मार्टिना उस गोरिल्ला को खरीद कर अपने घर ले आते हैं। इधर गॉड जब इया को ढूंढ नहीं पाता तो वो अपने यूनिवर्स में वापस जाने के लिए परेशान हो जाते हैं। तभी गॉड की मुलाकात इया से हो जाता है। गॉड इया को सब कुछ सही करने के लिए कहते हैं, लेकिन इया गॉड की कोई भी बात नहीं सुनती और वहां से भागने लगती है, पर गॉड भी जब उसके पीछे आने लगते हैं तो इसके बाद इया पानी के ऊपर से भिखारी को लेकर चलते हुए दूसरी तरफ चली जाती है। वही जब गॉड पानी में चलने के लिए उतरते हैं तो वो पानी में गिर जाते हैं क्योंकि गॉड की सारी शक्तियां उनके कंप्यूटर में है। इसके बाद हम आखिरी दूत बिल्ली को देखते हैं। बिल्ली एक बीमार छोटा बच्चा है। जब सबको पता चलता है कि बिल्ली 54 दिनों में मरने वाला है तो उसके मॉम डैड उससे कहते हैं कि इन आखिरी दिनों में जो भी करना चाहते हो तुम वो कर सकते हो। तो बिल्ली अपने मॉम डैड से कहता है कि वो इन आखिरी दिनों में लड़कियों की तरह कपड़ा पहनकर घूमना चाहता है, जिसके बाद वो सच में लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर घूमने निकल भी जाता है, जहाँ इया उससे मिलती है और अब दोनों सेम ही एज के होते हैं, इसलिए दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। इया बिली को कुछ मैजिक करके दिखाती है जिससे बिली काफी खुश हो जाता है। वही इया को पता चलता है कि जो मछली उसने सुबह खाई थी उसकी सोच बिली के अंदर है, जो बिली से बात करता है और उससे कहता है कि उसे फिर से पानी के अंदर जाना है। इस पर बिली इया के पास जाकर डिसाइड करता है कि वो आखिरी समय में समुद्र के किनारे जाकर मरेगा। इधर गॉड को पुलिस पकड़ लेता है और उनसे पासवर्ड मांगता है, लेकिन गॉड के पास कोई पासवर्ड नहीं था, इसलिए पुलिस वाले गॉड को एक प्लेन में बिठाकर दूसरे देश ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ इया समुद्र के किनारे अपने 6 देवदूतों को लेकर आ जाती है, जहाँ सभी लोग आते हैं जो भी आज के दिन मरने वाले थे। तभी बिली इया से पूछता है कि तुम तो कह रहे थे कि जब 6 देवदूत एक साथ आपस में मिलेंगे तो एक मिरेकल होगा, लेकिन ये कब होगा? इसके बाद हम देखते हैं कि इया के मॉम घर की सफाई करते हुए गॉड के कंप्यूटर वाले रूम में आ जाती है, और जब वो कंप्यूटर के सामने आ जाती है तो वो कंप्यूटर अपने आप ही ऑन हो जाता है। इधर बीच के किनारे बिली अपने मौत का इंतजार करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गॉड को पुलिस वाले जिस प्लेन से ले जा रहे थे वो प्लेन क्रैश होकर उनकी तरफ गिरने लगता है। दूसरी तरफ जब इया की मॉम कंप्यूटर को चलाती है तभी वो अटके प्रोग्राम को बदल देती है, उससे पृथ्वी पर रहने वाले सारे लोगों की मरने की तारीख बदल जाती है। वही जो लोग बीच के किनारे अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे उन सभी की मरने की तारीख भी अपने आप गायब हो जाता है, और जो प्लेन क्रैश होने के लिए की तरफ आ रहे थे वो भी कंट्रोल में आकर सही से चलने लगता है। इधर इया की मॉम कंप्यूटर से पृथ्वी की बादलों का रंग चेंज कर देती है, साथ ही साथ पृथ्वी पर बहुत सारे बदलाव कर देती है जिससे अब लोग पानी के अंदर भी चल सकते हैं। ये देखकर इया समझ जाती है कि ये सब उसकी मॉम ने किया है।
वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम गॉड को वॉशिंग मशीन के दुकान पर देखते हैं, जहां गॉड उस रास्ते को ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां से वो आए थे, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, और ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।